हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आप कभी ना कभी कॉल रिकॉर्ड करते होंगे, या आप ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपको कॉल रिकॉर्ड रखना पड़ता है और आप ओप्पो का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन की सारी सेटिंग बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपने मोबाइल में इंडिविजुअल नंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ अननोन नंबर ही रिकॉर्ड हों, या फिर आप सारी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग बताने वाला हूं। ओप्पो मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दो तरीके से। एक, आप मैन्युअली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरा आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसे मैं जानता हूं कि आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, मैं इस वीडियो में सेटिंग बताने जा रहा हूं ओप्पो के एक मोबाइल जो अपडेटेड है कलरOS 7 और एंड्रॉयड 10 में। सबसे पहले मैन्युअली कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। मैन्युअली कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले उसका एक बेसिक फंक्शन जानते हैं कि वो रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डायलिंग पैड को ओपन करना है। डायलिंग पैड को ओपन करने के बाद वहाँ आप कोई भी नंबर डायल कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर 198 नंबर एक यहाँ आपके सामने कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले जो नंबर मैंने डायल किया है वो है, उसके बाद कॉल ड्यूरेशन, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट्स, होल्ड, ऐड कॉल फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल एंड म्यूट, उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है स्पीकर, हैंग अप एंड डायलिंग पैड। लेकिन इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक सेटिंग करनी होगी जो इस पेज पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन शो हो। वो सेटिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर फाइंड आउट करेंगे लैंग्वेज एंड रीजन। आप लैंग्वेज एंड रीजन के ऑप्शन को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर रीजन के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है। रीजन के ऑप्शन पे आप टैप करेंगे, लैंग्वेज पे नहीं, रीजन पे आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन कुछ मोबाइल्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से उसी पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि आप अपने डायलिंग पैड पर, और यहाँ देखिएगा डायलिंग पैड पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। और यहाँ से आप जैसे ही इसे टैप करेंगे ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा और आप जो भी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको हर बार कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान आपको इसे टैप ही करना होगा। लेकिन एक दूसरा फंक्शन है जिसे आपकी जो ये टैप करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन। आइएगा उसके बारे में जानते हैं कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन को आप कैसे ऑन कर सकते हैं। आपको अपना डायलिंग पैड ओपन करना है। डायलिंग पैड ओपन करने के बाद ऊपर की साइड देखिएगा, राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा है जहां पर दो पॉइंट बने हुए ग्रीन कलर से हाईलाइटेड। इस पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, ब्लॉक एंड सेटिंग, ब्लॉक एंड फिल्टर, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है। तो ब्लॉक एंड फिल्टर को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज आपके सामने आएगा और जहां से आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे आप जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने यहाँ 5 बेसिक रिकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे इस पर टैप करेंगे आपके सामने ये पेज होगा। पेज पे राइट कॉर्नर टॉप साइड यहाँ प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद किसी भी पर्सन का आप नंबर यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर, यानी कि जितने भी आपकी गैलरी में नंबर हैं आप जो भी चाहें चूज कर सकते हैं और जितना भी, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना नंबर यहां पर आप सेव करें। जैसे ही आप उसे ऐड करेंगे आपकी लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। देखिएगा यहां पर सारे नंबर ऐड हो गए हैं। ऐड होने के बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उन्हें रिमूव कैसे करें। यहां पर सेम टॉप राइट कॉर्नर 2 पॉइंट्स बने आ रहे हैं, यहां पर आप क्लिक कीजिएगा। यहां पर ऑप्शन आया एडिट का। एडिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके ये सारे फंक्शंस के लिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे रिमूव का ऑप्शन जो डाउन साइड दिया गया है, इस रिमूव के ऑप्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे और पॉपअप आएगा रिमूव ऑल नंबर्स, आप ऑल नंबर्स को आप रिमूव कर दीजिएगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी, यानी कि आपका आप कोई भी स्पेसिफाइड नंबर आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है रिकॉर्ड अननोन नंबर्स। जैसे आप इस फंक्शन को ऑन करेंगे यहाँ पर सिर्फ आपके मोबाइल पर अननोन नंबर, यानी कि जिन पर्सन का आपने नंबर सेव नहीं किया हुआ है उन्हीं के ही नंबर रिकॉर्ड होंगे।
उसके बाद यदि आप इसे नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सारी कॉल रिकॉर्ड हो, जिन दिन भर में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग हो, जितनी भी कॉल मेरे पास रिसीव हो, सारी कॉल रिकॉर्ड हो, तो आप सिर्फ यहाँ ऑल कॉल रिकॉर्ड के ऑप्शन पे आप टैप कर दीजिएगा। आपको ना तो वो मैन्युअली ऑप्शन करना पड़ेगा और ना ही कहीं कोई टैप करने की ज़रूरत है। आपके मोबाइल में जितने भी कॉल सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के अंदर जितनी भी कॉल आपकी रिसीविंग होगी, आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड होंगी। उसके अंदर भी आप चाहते हैं तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है मैक्सिमम रिकॉर्डिंग, यानी कि आप कितनी रिकॉर्डिंग चाहते हैं, आप 1000 रिकॉर्डिंग, 2000, 3000 या फिर आप नो लिमिट, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 3000 कॉल रिकॉर्ड सेट कर दी है मैंने। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है व्यू कॉल रिकॉर्डिंग्स, यानी कि आप अपने मोबाइल में कितनी कॉल रिकॉर्ड कर चुके हैं या फिर आप जिस जो कॉल रिकॉर्ड कर चुके हैं उन्हें देखना चाहते हैं, तो व्यू कॉल रिकॉर्ड के ऑप्शन पे आप कीजिएगा और यहाँ पर जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी आपकी सब यहाँ पर शो हो जाएगी। आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं और यदि यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के टॉप राइट कॉर्नर सेटिंग के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फिर आप सेट कर सकते हैं उसे, उसके अकॉर्डिंग उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप ये कॉल रिकॉर्डिंग की जो वीडियो है आपके समझ आई होगी, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर दी गई हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और एक मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।